बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आज भी सबसे ज्यादा खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात की जाए और इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भले ही हेमा मालिनी 60 के दशक की अभिनेत्री हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में आज की गॉर्जियस अभिनेत्रियों को भी पछाड़ देती है। और यही वजह है कि हेमा आज भी पूरे देश भर के लोगों की ड्रीम गर्ल बनी हुई है। पर इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इन्हें इनका पहला प्यार नहीं मिल सका था। जी हाँ, हेमा मालिनी अपने दौर में एक शख्स से इतना प्यार करती थी कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रह पाती थी। लेकिन बावजूद इसके, इनका वो सच्चा प्यार इन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हेमा मालिनी की स्टार्टिंग लव स्टोरी से लेकर ब्रेकअप स्टोरी तक की सारी कहानी बताने वाले हैं। अगर आप भी इनकी पूरी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। साथ ही इस गॉर्जियस अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 1975 में आई फिल्म शोले में जय की बसंती बनकर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जो धूम मचाई थी, उससे तो हर कोई वाकिफ है। जिसके बाद इन्होंने और भी कई ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया, जिनमें सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, शराफत, प्रेम नगर, सत्य पे सत्ता, महबूबा, कुदरत जैसी और भी कई शानदार फिल्में शामिल है। और ऐसे ही फिल्मों में काम करने के दौरान हेमा मालिनी बॉलीवुड के ही एक शख्स से प्यार कर बैठी थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जंपिंग जैक जितेंद्र थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हेमा मालिनी एक समय में अभिनेता जितेंद्र से बेहद प्यार करती थी, और ये बात उस दौर की है जब हेमा मालिनी और जितेंद्र एक साथ साल 1969 में आई फिल्म बारिश में काम कर रहे थे। यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों की मुलाकात भी इसी फिल्म से हुई थी, जहां हेमा मालिनी जितेंद्र को देखते ही अपना दिल दे बैठी थी, क्योंकि उस वक्त जितेंद्र दिखने में काफी हैंडसम और गुड लुकिंग थे। साथ ही इस फिल्म में दोनों को लेकर काफी रोमांटिक सीन फिल्माए गए, जिसके चलते हेमा मालिनी उनकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होती गई, और जब हेमा ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उस दौर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा के मामले में हेमा मालिनी ही टॉप पर थी। जिसके बाद दोनों ने अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इसी तरह दोनों आगे चलकर करीब 20 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ नजर आए थे, और दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। वहीं खबरों की माने तो दोनों बहुत जल्द ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन इस बीच हेमा मालिनी को पता चला कि जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके कारण वो इनसे शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितेंद्र हेमा मालिनी को पाने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। और इसलिए दोनों ने जल्द ही एक दूसरे से अपनी राहें पूरी तरह से अलग कर ली थी, जिससे हेमा मालिनी को काफी ज्यादा ठेस पहुंची। लेकिन इनकी जिंदगी में एक वो वक्त भी आया जब इन्हें दोबारा किसी और से प्यार हो गया। लेकिन जिन्हें इन्होंने अपने दूसरे हमसफर के तौर पर चुना था, वो भी पहले से ही शादीशुदा थे। जी हाँ, यहाँ बात की जा रही है अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में, जो कि पहले से ही प्रकाश कौर से शादी रचा चुके थे। पर इनके साथ हेमा मालिनी का प्यार मुकम्मल रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र इस्लाम धर्म अपनाकर इन्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके थे। जिनके साथ जितेंद्र के प्यार में लव स्टोरी से लेकर ब्रेकअप स्टोरी तक का सफर तय करने वाली हेमा मालिनी आज भी एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वेल, आपको अभिनेता धर्मेंद्र और जितेंद्र में से किसके साथ हेमा मालिनी की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी? आप हमें उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।